हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटेक हब। पिछले लेक्चर में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कंसेप्ट के बारे में सुने। हम लोग अपने सिलेबस को शुरू करने से पहले हम लोग को सिलेबस में पढ़ना था डायोड, स्टार्ट करना था सेमीकंडक्टर डायोड। उसको शुरू करने से पहले हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया मटेरियल से कि मटेरियल कितने टाइप के होते हैं और उसमें हमको किसको यूज करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किसको यूज करना है। उसको लेके हमने क्या किया, डायोड को समझने के लिए पहले पूरा भूमिका बांधा, उसको पढ़ने के लिए हमको क्या क्या मटेरियल चाहिए उसको देखा, मटेरियल में निकाला सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के टाइप को देखा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसको देखा, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से क्या निकाला, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था मेरे डायोड को फॉर्म करने के लिए। तो हमने निकाला पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, और पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या निकाला, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज केयर होल्स हुआ और माइनॉरिटी चार्ज केयर इलेक्ट्रॉन्स हुआ, और वहीं एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज केयर इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी चार्ज केयर होल्स हुआ। अब क्या किया, इतने सारे चीज जानने के लिए उसके बाद हम लोग क्या देखा, कंसेप्ट ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी। इसको समझने के लिए कंसेप्ट ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी क्या किए, यूज किए माइनॉरिटी चार्ज केयर और मेजोरिटी चार्ज केयर निकालने के लिए सेमीकंडक्टर से, कंसेप्ट ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी एंड मास एक्शन लॉ को यूज किया, कंसेप्ट ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी, मास एक्शन लॉ, इस दोनों को यूज करके हमने क्या निकाला, मेजोरिटी चार्ज केयर और माइनॉरिटी चार्ज केयर, यानी सेमीकंडक्टर को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को और पी टाइप सेमीकंडक्टर को पूरे एनालाइज किए और उसके चार्ज केयर को निकाले। तो हम वहाँ पे अब क्या देखें, डायोड को शुरू करके नहीं, उसके हमें क्या लिखे, किसी सेमीकंडक्टर में करंट का कंडक्शन कैसे होता है, करंट फिनोमेना कैसे होता है, कौन कौन से फिनोमेना हो सकते हैं उसको देखे। तो क्या करंट फिनोमेना को देखे, तो करंट फिनोमेना में सेमीकंडक्टर में दो फिनोमेना होते हैं, एक क्या होता है, ड्रिफ्ट हो सकता है, ड्रिफ्ट होता है, और दूसरा डिफ्यूजन होता है। तो ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन को जाना, और ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन को जानकर अब हम लोग मेन चीज स्टार्ट किए, सेमीकंडक्टर डायोड, जो मेरा मेन टॉपिक था, मेरा मेन मुद्दा था सेमीकंडक्टर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, उसको इस सारे कंसेप्ट के आधार पे शुरू किया। क्या किया, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, दोनों को क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्स से क्या किया, अटैच किया, कॉन्टैक्ट में लाया, उस कॉन्टैक्ट सरफेस को हम क्या बोले, पीएन जंक्शन बोले, और जो मेरा डिवाइस फॉर्म हुआ उसको बोले पीएन जंक्शन डायोड और सेमीकंडक्टर डायोड, जो मेरा मेन मुद्दा था। अब क्या किया, उसके पूरे वर्किंग प्रिंसिपल को देखे, कैसे क्या होता है उसको देखे। अब हम बात करेंगे बायसिंग की, डायोड के बायसिंग की। तो हम लोग डायोड को एनालाइज किए थे, तो उसका कुछ ऐसा था, ये पी टाइप था, ये एन टाइप था, यहाँ पे क्या हुए, एक्सेप्टर आयन इकट्ठा हो गए इस साइड में डोनर आयन इकट्ठा हो गए, और क्या किए, एक डिप्लीशन रीजन तैयार किए, और इसके अक्रॉस एक क्या हो गया, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया, पोटेंशियल बैरियर, एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया उसको बोले पोटेंशियल बैरियर, और इस पी टर्मिनल को हम क्या बोले, एनोड, और इस एन साइड के टर्मिनल को हम क्या बोले, कैथोड। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, तो सिंबॉल के रूप में हम इसको ऐसे देखते हैं, डायोड का सिंबॉल, ये क्या होता है, पी साइड होता है, ये एन साइड होता है, पी साइड के टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, एनोड,
ए से डिनोट किए, इसको क्या बोलते हैं इनसाइड के टर्मिनल को, कैथोड। तो ये मेरा क्या हो गया, कैथोड हो गया, और इसको के से डिनोट किए। तो यहाँ तक हम लोग पहले लेक्चर में जान चुके हैं, पूरे डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं बायसिंग। बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, और इसी को क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड। तो देखिए बायसिंग क्या होता है, जो हम डायोड फॉर्म किए पीएन जंक्शन डायोड, उस पे अगर हम क्या करें, कोई डीसी वोल्टेज अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, बायसिंग। यानी हम क्या कर रहे हैं, पीएन जंक्शन डायोड लिए, उस पे क्या किए, डीसी वोल्टेज अप्लाई किए, और उसको हम क्या बोले, डीसी वोल्टेज अप्लाई जो किए उसी एप्लीकेशन को क्या बोले, बायसिंग। तो बायसिंग इज ए प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डीसी वोल्टेज मेरा बायसिंग क्या हुआ, बायसिंग इज ए प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज टू ए अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड। क्या किए कि एक सेमीकंडक्टर डायोड जो फॉर्म किए, तो ये मेरा हुआ स्ट्रक्चर, देखते हैं इस तरह का बना, ये पी साइड हुआ, ये एन साइड हुआ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट हुआ, और यहाँ पे एक लेयर क्रिएट हुआ जिसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। तो ये मेरा जो डिवाइस फॉर्म हुआ पीएन जंक्शन डायोड, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल अप्लाई करना क्या कहलाता है, बायसिंग कहलाता है। कोई डीसी पोटेंशियल अप्लाई करें उसको हम क्या बोलते हैं, बायसिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हम डीसी वोल्टेज अप्लाई कर दिए, यही मेरा क्या है, बायसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड, बायसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। तो बायसिंग क्या है, बायसिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज टू द सेमीकंडक्टर डायोड या अक्रॉस द सेमीकंडक्टर डायोड, इसी को बोले बायसिंग। तो बायसिंग के मेरे पास दो मेथड हो गए, बायसिंग के दो मेथड, देयर आर टू मेथड टू अप्लाई बायसिंग अक्रॉस द सेमीकंडक्टर डायोड। क्या कर सकते हैं, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल एक बार इधर रखे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड भी रह सकते हैं। तो इस टर्मिनल के आधार पर हम क्या किए, बायसिंग के दो मेथड बनाए। अगर हमको सेमीकंडक्टर डायोड को क्या करना है, बायसिंग अप्लाई करना है, तो दो तरह से हम बायसिंग अप्लाई कर सकते हैं। There are two method of applying biasing across PN junction diode. हमारे पास दो method है biasing को apply करने के। पहला है रिवर्स बायसिंग, एंड सेकेंड फॉरवर्ड बायसिंग। तो बायसिंग हम दो तरह से कर सकते हैं सेमीकंडक्टर डायोड का, फॉरवर्ड बायसिंग कर सकते हैं, रिवर्स बायसिंग कर सकते हैं। तो देखते हैं बारी बारी से फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग को।
रिवर्स बायसिंग। तो क्या किए हम, बायसिंग को अप्लाई कर रहे हैं, जो मेरा पीएन जंक्शन डायोड है उस पर क्या कर रहे हैं, कोई डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो डीसी वोल्टेज हमको अप्लाई करना है, उसी डीसी वोल्टेज अप्लीकेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायसिंग बोलते हैं। तो हम डीसी वोल्टेज अगर इस तरह से अप्लाई करें कि जो मेरा, जो ये मेरा डायोड है यहाँ पे क्रिएट हुआ है डिप्लीशन रीजन, और डिप्लीशन रीजन के क्रॉस मेरा एक वोल्टेज तैयार हो गया है, उसको हम क्या बोले हैं, पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर बोले। तो हम बायसिंग अप्लाई कर रहे हैं, तो हम बायसिंग को अगर इस तरह से अप्लाई करें कि ये पोटेंशियल बैरियर जो यहाँ पे जंक्शन के पे जो पोटेंशियल बैरियर आ गया है उसको और बढ़ा दे, और जो मेरा क्या हो, करेंट कंडक्ट नहीं करे, यानी डायोड से होकर करेंट फ्लो नहीं करे, उसको हम बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। तो हम रिवर्स बायसिंग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस होने की बजाय क्या होगा, और इंक्रीज कर जाएगा, और इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या होगा, ये करेंट को इधर, इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं मूव करने देगा, इधर से इधर, इस साइड से इस साइड, तो मेरा क्या होगा, करेंट फ्लो नहीं होगा, और ये होगा मेरा रिवर्स बायसिंग। तो देखिए तो रिवर्स बायसिंग क्या है, इफ वी अप्लाई डीसी वोल्टेज अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड इन सच अ वे दैट पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेज, देन इट इज कॉल्ड रिवर्स बायसिंग। व्हेन वी अप्लाई डीसी वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन डायोड इन सच अ वे दैट पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेज, देन इट इज कॉल्ड रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग, हम डीसी वोल्टेज को इस तरह से अप्लाई किए कि जो मेरा क्या था, जो पोटेंशियल बैरियर जंक्शन पे क्रिएट हो रहा था वो और ज़्यादा इंक्रीज कर जाए, तो वैसे बायसिंग को क्या बोले, रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग को अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, मेरे पास दो टर्मिनल है डायोड में, एक एनोड है एक कैथोड है, यानी एक पॉजिटिव टर्मिनल है एक निगेटिव टर्मिनल है। तो क्या करते हैं, एनोड को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल यानी अपोजिट साइड से कनेक्ट कर देते हैं, तो मेरा क्या हो जाता है, ये रिवर्स बायस अप्लाई हो जाता है। फॉर अप्लाइंग रिवर्स बायसिंग वी कनेक्ट P side का जो टर्मिनल है उसको क्या बोले, एनोड टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड
एनसाइड, एनसाइड में मेरा क्या है, कैथोड टर्मिनल है। कैथोड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो क्या किए हम, डायोड ले लिए, यहाँ पे क्या है कॉन्टेक्ट सरफेस, यहाँ पे डिप्लीशन रीजन क्रिएट होगा, इधर क्या होगा एक्सेप्टर आयन, अगर ये पी टाइप है तो ये एन साइड है तो यहाँ पे क्या होगा डोनर आयन, इधर एक्सेप्टर आयन, यहाँ पे डोनर आयन, यहाँ पे क्या हो गया पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया। ये मेरा इस साइड का टर्मिनल, ये इस साइड का टर्मिनल। तो हमको क्या करना है, पी यानी पॉजिटिव, तो हमको क्या कर देना है रिवर्स बायसिंग अप्लाई करने के लिए अपोजिट टर्मिनल को कनेक्ट कर देना है। तो हम क्या किए, बैटरी ले लिए और उसको क्या करेंगे अपोजिट टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ये पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव से कनेक्ट करेंगे और ये निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, कर दिए। तो ये जो हम बायसिंग अप्लाई किए पीएन जंक्शन डायोड पे, ये कैसा बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग है। अब देखिए इसका फंक्शन कैसे हो रहा है, रिवर्स बायसिंग कैसे हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम बैटरी अप्लाई कर दिए, जब ये बैटरी नहीं लगाए थे, जब ये बैटरी नहीं अप्लाई किए थे क्या हुआ था, हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, बताए थे क्या होगा, अगर कोई सेमीकंडक्टर है उसमें क्या होगा डिफ्यूजन प्रोसेस होता रहेगा रखा हुआ है, तो क्या हुआ इधर क्या है पी टाइप है तो होल्स मेजोरिटी चार्ज कर है, इधर इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी चार्ज कर है, तो मेरा डिफ्यूजन में क्या होता है मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, यानी चार्ज कैरियर हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर जाता है, इधर होल्स का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, जब बैटरी नहीं अप्लाई किए रहेंगे तब। और जब यहाँ पे डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये डिफ्यूजन प्रोसेस रुक जाएगा। अब देखिए अब क्या किए, यहाँ पे हम बैटरी लगा दिए यानी रिवर्स बायसिंग लगा दिए। तो देखिए अब क्या होता है, तो ये निगेटिव टर्मिनल है तो ये क्या करेगा, ये होल्स को अट्रैक्ट करेगा, होल्स को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये क्या है निगेटिव चार्ज है और होल्स क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो होल्स को अट्रैक्ट करेगा यानी होल्स क्या होगा इधर आएगा, होल्स इधर आने वाला है इस निगेटिव टर्मिनल की, और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अपोज करेगा यानी रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इस साइड मूव होंगे, इस साइड से पी साइड से इस साइड की ओर, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करेंगे इस साइड से इस साइड, और ये होल्स को क्या करेगा रिपेल करेगा, तो होल्स इस साइड से इस साइड की ओर मेरा मूव करने वाला है। तो हम देखें क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इधर क्या है इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी चार्ज कियर है, इधर क्या है होल्स है मेजोरिटी चार्ज कियर है। तो अब क्या प्रोसेस हो रहा है, इधर जो माइनॉरिटी चार्ज कियर है वो इस साइड से अब इस साइड की ओर फ्लो करना शुरू कर देंगे, जब ये कुछ फ्लो करना शुरू कर देंगे और ये होल्स इस साइड से इस साइड फ्लो करना शुरू कर देंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, यही तो ड्रिफ्ट है मेरा, यही तो ड्रिफ्ट है मेरा। ड्रिफ्ट में क्या होता है, जब कोई बैटरी यानी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई करते हैं तो क्या होता है उसके कारण जो चार्ज कैरियर मूव करते हैं उसी को क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे बैटरी अप्लाई किए और ये चार्ज कैरियर क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे ड्रिफ्ट। और यहाँ पे ये ड्रिफ्ट किसका होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का होता है। तो इधर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और इधर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स,
तो यहाँ पे जो करेंट का फ्लो होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक चार्ज कैरियर के कारण होगा, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, ड्रिप। तो हम जो रिवर्स बायसिंग अप्लाई किए उसके कारण मेरा कौन सा प्रोसेस हो रहा है, डिफ्यूजन या ड्रिप? आप बोलेंगे क्या, ड्रिप हो रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्या करे, इस साइड से मूव करे, इस साइड से इस साइड की ओर। होल्स क्या हो रहे हैं, इस साइड से मूव कर रहे हैं, इस साइड से इस साइड की ओर। तो हम चाहे तो करेंट फ्लो करेगा, करेंट का डायरेक्शन भी बता सकते हैं। करेंट का डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं, तो क्या होता है, करेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, फ्लो करता है। तो क्या होगा, करेंट इस साइड से इस साइड की ओर आएंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, करेंट का फ्लो हो जाएगा। और कौन सा करेंट होगा, ड्रिफ्ट प्रोसेस हो रहा है, तो क्या होगा, मेरा ड्रिफ्ट करेंट होगा, ड्रिफ्ट करेंट। तो मेरा क्या होता है, रिवर्स बायसिंग सपोर्ट द ड्रिफ्ट प्रोसेस एंड करेंट डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट एंड डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करेंट इन द डायरेक्शन ऑफ होल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्शन भी हम बता सकते हैं, जो करेंट ड्रिफ्ट करेंट मेरा फ्लो होने वाला है किस साइड में होने वाला है, इस साइड। होल्स की डायरेक्शन में इस साइड से इस साइड की ओर, ये क्या होगा, ड्रिफ्ट करेंट फ्लो करेगा, आई ड्रिफ्ट। तो हम क्या किए, रिवर्स बायसिंग अप्लाई किए। रिवर्स बायसिंग में क्या देखे, मेरा ड्रिफ्ट प्रोसेस हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ड्रिफ्ट प्रोसेस हो रहा है। ड्रिफ्ट प्रोसेस को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और डिफ्यूजन प्रोसेस को अपोज कर रहा है। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, पहला पॉइंट, इन रिवर्स बायसिंग पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेज, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेज। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, मेरा पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज कर जाता है। दूसरा क्या, रिवर्स बायसिंग सपोर्ट द ड्रिफ्ट प्रोसेस, ड्रिफ्ट प्रोसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्रिफ्ट प्रोसेस को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। रिवर्स बायसिंग अपोज द डिफ्यूजन प्रोसेस, तो इसमें कौन सा करेंट होगा, आई ड्रिफ्ट करेंट का वैल्यू, यानी ड्रिफ्ट करेंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी डिफ्यूजन करेंट से, आई डिफ्यूजन। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाले, ड्रिफ्ट करेंट जो फ्लो करता है किसमें, रिवर्स बायसिंग में ड्रिफ्ट करेंट होता है, ज्यादा होता है डिफ्यूजन से, और ये किसको सपोर्ट करता है, ड्रिफ्ट को सपोर्ट करता है। और इसके करेंट के डायरेक्शन को भी हम बता चुके, अब चलिए देखते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग देखने से पहले एक और चीज देख लीजिए, रिवर्स सैचुरेशन करेंट। जो हम रिवर्स बायस अप्लाई किए पीएन जंक्शन डायोड पे, उसमें क्या हुआ, मेरा ड्रिफ्ट करेंट फ्लो कर रहा है,
और ये जो रिवर्स बायसिंग में करंट जो फ्लो कर रहा है किसके कारण फ्लो कर रहा है, इसमें दो चार्ज कैरियर हैं, क्या एक इलेक्ट्रॉन है और होल्स है, तो किसके कारण हो रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण हो रहा है। जो मेरा ड्रिफ्ट प्रोसेस हो रहा है किसके कारण हो रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, यानी इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसके कारण कर रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण कर रहा है। और ये बहुत ही कम ऑर्डर का होता है, माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर में होता है ड्रिफ्ट करंट, और उस करंट को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। तो लिखिए, इन रिवर्स बायसिंग ए फ्यू अमाउंट ऑफ करेंट इज फ्लोज इन ऑर्डर ऑफ नैनो एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर विच इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करेंट। इन रिवर्स बायसिंग In reverse biasing, a very few amount of current in order of nano ampere और माइक्रो एम्पियर फ्लोज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर चार्ज कैरियर विच इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करेंट। तो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण नैनो एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में करेंट फ्लो करता है, और उस करेंट को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करेंट। अब देखिए फॉरवर्ड बायसिंग, तो फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, इफ बायसिंग इज अप्लाइड अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड इन सच अ वे दैट पोटेंशियल बैरियर रिड्यूसेज एंड करेंट फ्लोज थ्रू द पीएन जंक्शन डायोड, देन इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। क्या कर रहे हैं, जो मेरा पोटेंशियल बैरियर जो मेरा पीएन जंक्शन के कॉन्टेक्ट पे बन गया है उसको क्या करना है, रिड्यूस कर रहा है, उसको रिड्यूस कर रहा है, तो मेरा क्या होगा, किस बायसिंग में होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में। बायसिंग को इस तरह से अप्लाई करें कि यहाँ पे जो मेरा पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो रहा है वो रिड्यूस हो और धीरे धीरे क्या हो जाए, किसी फॉरवर्ड पोटेंशियल पे क्या हो, इलिमिनेट हो जाए और इसके थ्रू करेंट फ्लो हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। चलिए लिखते हैं, If we apply DC voltage across PN junction diode in such a way that potential barrier reduces and thus
करेंट फ्लोज थ्रू द डायोड इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग। तो देखते हैं इसकी कहानी क्या होने वाली। क्या किए, डायोड एक फॉर्म कर लिए, यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस है, यहाँ पे मेरा डिप्लीशन रीजन क्रिएट होने वाला है, ये इस साइड का टर्मिनल, ये पी साइड है और ये एन साइड है, इस पी साइड का टर्मिनल, ये एन साइड का टर्मिनल, यानी ये एनोड है और ये कैथोड है। तो हमको क्या करना है, इस पे डीसी वोल्टेज अप्लाई करना है, और डीसी वोल्टेज किस तरह अप्लाई करना है वो हमको कैसे पता चल रहा है, इसकी डिफिनीशन से। तो ये क्या बोल रहा है कि आपको डीसी वोल्टेज इस तरह से अप्लाई करना है कि यहाँ का जो पोटेंशियल बैरियर है वो रिड्यूस हो, वो पोटेंशियल बैरियर का हो रिड्यूस हो। तो इस पोटेंशियल बैरियर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को पी साइड से और निगेटिव टर्मिनल को एन साइड से, बैटरी के एन साइड से कनेक्ट कर देते हैं। क्या किए, मेरा डायोड का ये क्या है, पी साइड का टर्मिनल एनोड, एनोड को क्या पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए और कैथोड को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए। तो ये मेरा क्या हुआ, फॉरवर्ड बायसिंग। कैसे याद रखना है, प्लस को प्लस से कनेक्ट करना है, माइनस को माइनस से कनेक्ट करना है, तो फॉरवर्ड बायसिंग। प्लस को माइनस अगर अपोजिट कनेक्ट करेंगे तो रिवर्स बायसिंग। तो क्या लिखेंगे, फॉर अप्लाइंग फॉरवर्ड बायसिंग, शॉर्ट में एफ बी लिख रहे हैं, फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्ट द पी साइड टर्मिनल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन साइड टर्मिनल, एन साइड टर्मिनल, और एन साइड टर्मिनल मेरा क्या होता है, कैथोड होता है, कैथोड टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग अप्लाई करने के लिए पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, निगेटिव को निगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो देखते हैं इसका फंक्शन क्या होने वाला है। तो जब हम नहीं अप्लाई किए रहेंगे, ये बैटरी पोटेंशियल नहीं अप्लाई किए रहेंगे, तो क्या होगा, इस साइड क्या रहने वाला है, होल्स रहने वाला है मेजोरिटी में, होल्स है मेजोरिटी में, होल्स क्या है मेजोरिटी में है, इस साइड क्या है इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में है। तो मेरा क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस होता रहेगा। डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होगा, इधर से होल्स इस साइड जाएंगे और इधर से इलेक्ट्रॉन इस साइड आएंगे, और ये प्रोसेस होता रहेगा। कब तक होगा, जब तक कि यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर क्रिएट नहीं हो जाए। अब क्या किए, यहाँ पे अब हम बैटरी अप्लाई कर दिए। देखिए यहाँ पे अब बैटरी अप्लाई कर दिए, बैटरी अप्लाई कर दिए, इस साइड से इस साइड जा रहा था होल्स जा रहा था डिफ्यूजन प्रोसेस में, इस साइड से इस साइड इलेक्ट्रॉन जा रहा था, इतना याद रखिए, ये डिफ्यूजन प्रोसेस में।
जब अप्लाई नहीं किए थे बैटरी तब। अब क्या किए, बैटरी अप्लाई कर दिए तो ये क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल है तो क्या क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होने वाले हैं, इस साइड से इस साइड आने वाले हैं, और होल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो होल्स को क्या करेगा, इस साइड रिपेल करेगा, तो इस साइड से इस साइड जाने की कोशिश करेगा। अब देखिए ये निगेटिव टर्मिनल है तो क्या होगा, पॉजिटिव यानी होल्स को क्या करेगा, होल्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इस साइड रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन को इस साइड रिपेल करेगा। तो देखिए क्या हो रहा है, प्रोसेस में क्या हो रहा है, इधर ये क्या है, होल्स है, होल्स इस साइड से इस साइड जाने वाला है, तो होल्स क्या है, मेजोरिटी है, मेजोरिटी का चार्ज क्या कह रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी है, इस साइड से क्या, इस साइड की ओर आएगा, तो ये भी क्या है, मेजोरिटी चार्ज गियर, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर आ रहा है, तो यही तो मेरा क्या है, डिफ्यूजन प्रोसेस है। यानी क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायसिंग अप्लाई कर दिए तो मेरा डिफ्यूजन प्रोसेस रुकने की बजाय क्या हुआ, डिफ्यूजन प्रोसेस शुरू होने वाला है, डिफ्यूजन प्रोसेस और ज़्यादा होने वाला है, और किसी खास पोटेंशियल पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ का जो पोटेंशियल बैरियर है ये जब इलिमिनेट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, होल्स इस साइड से इस साइड की ओर मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन इस साइड की ओर मूव करेंगे, तो क्या होने वाला है, करंट फ्लो होने वाला है और मेरा डायोड कंडक्ट करने लगेगा, डायोड करंट को फ्लो करने लगेगा। अब चलिए देखते हैं, यानी ये क्या कर रहा है, फॉरवर्ड बायसिंग मेरे डिफ्यूजन प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, फॉरवर्ड बायसिंग डिफ्यूजन प्रोसेस को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और ड्रिप प्रोसेस को अपोज कर रहा है। अब हम करंट की डायरेक्शन देखते हैं, करंट की डायरेक्शन देखते हैं, तो बैटरी अप्लाई कर दिए तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ये होल्स है इस साइड की ओर मूव कर रहे हैं, ये होल्स इस साइड की ओर मूव कर रहे हैं, ये क्या है, होल्स है, पी साइड से एन साइड की ओर जा रहे हैं जब बैटरी अप्लाई किए तब, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या एन साइड से पी साइड की ओर आ रहे हैं, इस साइड ये मेरा है इलेक्ट्रॉन, तो करंट का डायरेक्शन क्या होने वाला है, बताइए आपको तो पता है, कैसे बताएंगे, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मेरा करंट फ्लो होगा, कैसे होगा, इस साइड में फ्लो होगा, और कौन सा करंट फ्लो होगा, कौन सा प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है, तो ये करंट क्या होगा, आई डिफ्यूजन करंट होगा, आई डिफ्यूजन करंट होगा। तो आपको सभी बातें पता हो गई, फॉरवर्ड बायसिंग में कैसे अप्लीकेशन करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में क्या क्या होता है, कैसे करंट फ्लो करता है, करंट किस साइड से किस साइड की ओर फ्लो करता है, सब पता चल गया। अब चलिए पॉइंट को नोट करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, फर्स्ट पॉइंट रहने वाला है जब फॉरवर्ड बायसिंग अप्लाई करते हैं तो मेरा क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस होता है और किसी खास फॉरवर्ड वोल्टेज पे वो क्या होता है, इलिमिनेट हो जाता है और करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, तो इन फॉरवर्ड बायसिंग द पोटेंशियल बैरियर रिड्यूसेज एंड एट सम फॉरवर्ड वोल्टेज It is eliminated. जो मेरा पोटेंशियल बैरियर है वो इलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
फॉरवर्ड बायसिंग, सपोर्ट, इसको सपोर्ट करता है, डिफ्यूजन प्रोसेस को सपोर्ट करता है, फॉरवर्ड बायसिंग अपोज किसको करता है, ड्रिप प्रोसेस को अपोज करता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, डिफ्यूजन करेंट इज ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन ड्रिफ्ट करेंट। तो ये कहानी रहने वाली है आपकी बायसिंग की, फॉरवर्ड बायसिंग की, रिवर्स बायसिंग की। अब आप क्या करेंगे, डायोड को लेंगे, डायोड को लेकर उसमें क्या किए, फॉरवर्ड बायसिंग अप्लाई कर देंगे। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होने वाला है, रिवर्स बायसिंग अप्लाई करेंगे, रिवर्स बायसिंग में क्या होने वाला है, ये आपको पता चल गया। अब आप इसका जहाँ पे एप्लीकेशन आएगा वहाँ पे इसको एप्लीकेशन कर सकते हैं। अभी इसमें आगे हम लोग फर्दर पढ़ेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, इसके इक्विवेलेंट सर्किट को देखेंगे, डायोड कब कैसे रिप्लेस होता है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे, और कुछ इसमें जो टर्म होंगे उसको भी देखेंगे। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाले हैं, आज हम यहीं पे लेक्चर को रोकते हैं। आप आज के वीडियो के लिए आपको थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ पॉलिटिक्स हब डॉट।